नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा प्लस में। दोस्तों आपके लिए मैं डेली स्टॉक की वीडियो लेकर आता हूं, जहां मैं आपको दो स्टॉक देता हूं और अगले दिन हमें एक अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद होती है। तो दोस्तों मैंने आपको फ्राइडे को दो स्टॉक बताए थे फ्राइडे के लिए, चलिए आज देखते हैं उनकी फ्राइडे को उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और आज उन्होंने कैसा मूव किया। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में आप बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जो मैंने आपको फ्राइडे के लिए जो दो स्टॉक बताए थे, चलिए आज देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और उन्होंने कैसा मूव किया था। तो यहाँ पर बात करूं अपने पहले स्टॉक की, तो मैंने आपको जो पहला स्टॉक बताया था वो था हीरो मोटोकार का। देखिए हीरो मोटोकार मैंने आपको बाई बताया हुआ था 2810 रुपए के ऊपर और इसको मैंने आपको सेल बताया हुआ था 2780 रुपए के नीचे। तो देखिए दोस्तों ये है 915 की पहली कैंडल, यहाँ पर इसने ओपनिंग दी 915 की कैंडल, इसने ओपनिंग 2765 रुपए पर। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इस स्टॉक में, हमारा फर्स्ट टारगेट था 2770 रुपए का और इस स्टॉक ने ओपन भी हमारे फर्स्ट स्टॉक के नीचे दिया, हमारे फर्स्ट टारगेट के नीचे दिया 2765 रुपए पर इसने ओपनिंग दी, तो हमारी ये कॉल इनएक्टिव रही। क्योंकि अगर कोई स्टॉक मेरे बाई या सेल प्राइस से 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर या नीचे ओपन होता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर वो फर्स्ट टारगेट से भी नीचे ओपन होता है तो आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी होती। मैंने आपको ये चीज कई बार बताई हुई है। तो हमारा देखिए स्टॉक तो काफी नीचे तक गया, मेरी जो कॉल थी आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन हमारी इसमें कॉल एक्टिवेट नहीं हो पाई। तो हमारे ये कॉल ना इसमें हमारी बाई कॉल एक्टिवेट हुई, हमारी इसमें सेल कॉल एक्टिवेट हुई। अब चलिए देखते हैं मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक बताया था उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे की कॉस्ट पोस्ट करता रहता हूं, उससे भी काफी बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करूं अपने दूसरे स्टॉक में, आपको जो दूसरा स्टॉक बताया था वो था टीसीएस का। देखिए टीसीएस को मैंने आपको सेल बताया था 1894 रुपए के नीचे, तो देखिए हमारी सेल कॉल यहाँ पर कहीं भी एक्टिवेट नहीं हुई क्योंकि ये स्टॉक 1900 के नीचे कहीं गया ही नहीं। मैंने आपको इस स्टॉक को बाय बताया था 1906 रुपए के ऊपर, स्टॉप लॉस था हमारा 1896 रुपए का। तो देखिए इस पहली कैंडल में इसने ओपन किया 1904 रुपए पर, फिर इस कैंडल का लो भी 1904 रुपए 40 पैसे ही रहा और उसके बाद आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने हाई लगाया 1935 रुपए का। हमारा जो अंतिम टारगेट था वो था 1936 रुपए का, हमारे तीन के तीनों टारगेट इसमें अचीव हो गए। कुल मिलाकर हमें किसमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो सारी बातों को अगर जोड़ ले तो एक इस पे से लाइक जरूर बनता है। तो आप कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको इस स्टॉक में कैसा प्रॉफिट हुआ, आपको इसमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और देखते हैं आपके लिए जो मंडे के लिए 28 जनवरी के लिए जो दो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। उससे पहले अगर अभी तक आपने स्टॉक ने हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको उसका यह बेनिफिट मिलेगा कि मैं आपको अपने पर्सनल आप स्टॉक के ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर आपको लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे की कॉल मिलेंगी, कुछ बीटीएसटी की कॉल मिलेंगी और आपको मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। तो आप मुझसे कोई भी जानकारी ले पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट जल्दी से जल्दी अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर देंगे, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने आपके जो दो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करूँ मंडे के पहले स्टॉक की, मैंने आपके जो पहला स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ क्यूज कॉर्पोरेशन का। देखिए क्यूज कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर 9:15-9:30 की कैंडल को ध्यान से देखें तो देखिए उसके बाद इसने पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड किया हुआ है, चैनल बना लिया इसने, देखिए ट्रायंगल, इसने अपने हाई और लो को ब्रेक नहीं किया पूरे दिन। तो कल अगर अपने इस रेंज को इस ट्रायंगल को ब्रेक करके ऊपर या नीचे को निकलता है तो एक इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंडे को मार्केट काफी वोलेटाइल होने वाला है ऐसे मैं आशा रखता हूं। तो आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं कीजिएगा और जब भी हम इसमें आप तभी एंट्री करेंगे जब हमारी हमारे लेवल पर मिलेगा, हमारा जो बाई का लेवल या सेल का लेवल निकल कर आता है उसका हम वेट करेंगे, जो भी कॉल हमारी पहले एक्टिवेट होगी हम उसी में एंट्री लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्यूज कॉर्पोरेशन के कौन से लेवल निकल कर आए हैं। दोस्तों क्यूज कॉर्पोरेशन में हम बाई करेंगे 646 के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा 640 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 651 का, सेकंड टारगेट 657 और अंतिम टारगेट होगा 663 का। अगर क्यूज कॉर्पोरेशन नीचे की ओर अपने ट्रायंगल को ब्रेक करेगा तो इसको हम सेल करेंगे 638 के नीचे, स्टॉप लॉस हमारा 644 का, हमारा फर्स्ट टारगेट 633 का, हमारा सेकंड टारगेट 627 और अंतिम टारगेट होगा 620 का। दोस्तों ये सारी वीडियो आपके लिए एजुकेशन पर्पज से बनाता हूं, तो आप वीडियो को देखें सीखें समझें ताकि आप इंट्राडे में एक अच्छे ट्रेडर बन सकें और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपने कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह मशवरा जरूर कर लें और आप खुद की भी एनालिसिस कर लें, क्योंकि मैं आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूं। तो चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए जो दूसरा स्टॉक सिलेक्ट किया है वो कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर बात करूं अपने दूसरे स्टॉक में, आपके लिए जो दूसरा स्टॉक सिलेक्ट किया है वो सनफार्मा का। देखिए सनफार्मा में हमें एक पिछले हफ्ते में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद देखिए सनफार्मा ने अपने आप को सस्टेन किया और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें 22 जनवरी से तो देखिए यहाँ पर इसने एक अच्छा देखिए सपोर्ट बना लिया हुआ है। इस सपोर्ट से ये
जब भी सपोर्ट के आसपास आता है वहां से एक बाउंस बैक ले रहा है। देखिए सन फार्मा, देखिए सबसे पहले यहां पर इसने ओपनिंग दी, फिर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, फिर इसने एक बार यहां पर देखिए इसको टच किया, उसके बाद फिर एक अच्छा बड़ा बाउंस बैक देखने को मिला, एक बार देखिए फिर यहां तीसरी बार भी इसने टच किया और फिर एक मूवमेंट देखने को मिली। अभी देखिए चौथी बार इसने यहीं पर इसके आसपास ही क्लोजिंग दी हुई है, तो अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्यों निकलता है तो इसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और अगर एक बार ये फिर से यहीं से बाउंस बैक लेता है तो अपने इस पैटर्न को पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा, तो इसी स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया हो। चलिए देखते हैं सन फार्मा के कौन से लेवल निकल कर आए हैं। तो दोस्तों सन फार्मा को हम बाय करेंगे 427 के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा 423 का, हमारा फर्स्ट टारगेट 431 का, सेकंड टारगेट 435 का और अंतिम टारगेट होगा 440 का। दोस्तों सन फार्मा को हम अगर नीचे क्यों निकलेगा तो इसको हम करेंगे सेल, स्टॉप लॉस इसको हम सेल करेंगे 419 के नीचे, स्टॉप लॉस हमारा 424 का, हमारा फर्स्ट टारगेट 415 का, सेकंड टारगेट 410 और अंतिम टारगेट होगा 405 का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ढेर सारी वीडियो लाता रहता हूं जिससे आप स्टॉक मार्केट में काफी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।